पाकिस्तान को सेना प्रमुख की कड़ी चेतावनी, जनरल बिपिन रावत ने कहा बंद करो घुसपैठ, नहीं तो दूसरे विकल्पों का करेंगे इस्तेमाल। सेना प्रमुख बिपिन रावत ने कहा पाकिस्तान बंद करे आतंकियों की मदद, भारत के पास जवाब देने के और भी कई तरीके। सेना प्रमुख ने कहा भारत से बांग्लादेश का बदला लेना चाहता है पाकिस्तान, भारतीय सेना पाकिस्तान को कभी भी कामयाब नहीं होने देगी। जनरल बिपिन रावत ने कहा कश्मीर में पत्थरबाजों की हरकत आतंकियों जैसी, पत्थरबाजों को क्यों ना आतंकी माना जाए। सेना प्रमुख ने कहा पत्थरबाजों पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, पत्थरबाजी से पत्थरबाजों का ही नुकसान। श्रीनगर में सीआईएसएफ जवान शहीद राजेंद्र प्रसाद को श्रद्धांजलि दी गई, श्रीनगर में पाक ग्रिड पर तैनात थे, आतंकियों के ग्रेनेड हमले में शहीद हुए। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में पत्थरबाजों ने सेना के एक जवान की हत्या की, सिपाही राजेंद्र सिंह के सर पर लगा था पत्थर, बाद में अस्पताल में मौत हो गई। बीआरओ के काफिले में क्विक रिएक्शन टीम का हिस्सा थे शहीद राजेंद्र सिंह, काफिले पर स्थानीय लोगों ने पथराव किया था। बीजेपी सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा पत्थरबाज पाकिस्तान से पैसा लेकर हमला करते हैं, इन्हें भी आतंकियों जैसा ही जवाब देना चाहिए। यूपी के बुलंदशहर से आईएसआई एजेंट गिरफ्तार, जायद के पास से गोपनीय दस्तावेज और प्रतिबंधित क्षेत्र के नक्शे मिले। इंटेलिजेंस ब्यूरो के इनपुट पर बुलंदशहर पुलिस ने गिरफ्तार किया, जांच एजेंसियां पूछताछ कर रही। आज पाकिस्तान बंटवारे पर पूर्व उपराष्ट्रपति हामिद अंसारी का नया दावा, बंटवारे के लिए भारत को जिम्मेदार बताया। हामिद अंसारी ने सरदार पटेल पर भी सवाल पूछा, कहा सरदार पटेल ने एकता के लिए बंटवारा जरूरी बताया था, विभाजन के लिए सिर्फ मुसलमानों को कसूरवार ठहराया गया। पीएम मोदी दो दिन के जापान दौरे पर रवाना, यात्रा से पहले कहा पिछले कुछ सालों में भारत जापान के संबंध मजबूत हुए। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर बीजेपी का नया दाव, रामविलास पासवान को राज्यसभा भेज सकती है बीजेपी, अगले साल आसाम से भेज सकती है राज्यसभा। बिहार में पासवान को 6 की जगह 5 सीटें दे सकती है बीजेपी, पासवान और कुशवाहा को बराबर सीटें देने का फॉर्मूला, सूत्रों के हवाले से खबर। बिहार में सीट बंटवारे को लेकर खींचतान, आरजेडी के संपर्क में उपेंद्र कुशवाहा, सूत्रों के हवाले से खबर। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा सीट बंटवारे पर अमित शाह से बात हुई लेकिन सीटों के बंटवारे पर संख्या फिलहाल तय नहीं। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा मोदी को अगले 5 साल भी बनाना है प्रधानमंत्री, पीएम का मोदी रहे, माफ कीजिएगा, मोदी का पीएम रहना देश के हित में। सोमवार को अमित शाह से मिल सकते हैं उपेंद्र कुशवाहा, बिहार में सीट बंटवारे पर चर्चा हो सकती है। कुशवाहा और तेजस्वी की मुलाकात से एनडीए में टेंशन, कुशवाहा ने कहा संयोग से हुई मुलाकात, तेजस्वी बोले सकारात्मक रही बातचीत। बिहार में बीजेपी और जेडीयू बराबर सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेंगी, एलजेपी और आरएलएसपी के भी साथ रहने का दावा किया। एनसीपी के पूर्व नेता तारिक अनवर कांग्रेस में शामिल हो गए, राहुल गांधी ने पार्टी की सदस्यता दिलाई। दिल्ली में कांग्रेस चुनाव समिति की बैठक हुई, मध्यप्रदेश की 150 सीटों ने उम्मीदवारों के नामों पर चर्चा हुई, 80 नाम पर सहमति भी बन गई। राजनीतिक पक्षपात के आरोप के बाद सतना के कलेक्टर मुकेश कुमार शुक्ला को हटाया गया है, चुनाव आयोग के निर्देश पर कार्रवाई। इंदौर के कंप्यूटर बाबा ने हाईकोर्ट में अर्जी दी, शिवराज सरकार पर हत्या की साजिश का आरोप लगाया। सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा के घर के बाहर पकड़े गए आईबी अफसरों पर विवाद बढ़ गया, इंटेलिजेंस ब्यूरो ने दिल्ली पुलिस को 6 पुलिस वालों के नाम भेजकर कार्रवाई करने को कहा है। आईबी की लिस्ट में आलोक वर्मा के पीएसओ शामिल हैं, आईबी की जांच किसके आदेश पर आईबी के अफसरों से बदसलूकी की गई।